तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज़ अपडेट और रूमर्स है आइए देखते हैं इस वीडियो में। रोमरेज होंगे इस समय WWE के फुल टाइम रेसलर, हालांकि आप देख सकते हैं उनका न्यू शेड्यूल आ चुका है। उसके बाद गाइस यहां पर समर स्लैम का जो मैच होने वाला है उसका भी डेट यहां पर रिवील्ड हो चुका है। इस बार का जो समर स्लैम होने वाला है वो नाइट 1 और नाइट 2 में होगा यहां पर रेसलमेनिया के जैसा। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर जिमी उसो को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, आखिर जिमी उसो का कब रिटर्न होगा। और गाइस क्या आपको पता है इस बार के रेसलमेनिया का टिकट आपको जानकर यहां पर होश उड़ जाएंगे। तो वेल चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रोमेज के यहाँ पर न्यू शेड्यूल को लेकर। वैसे गाइस यहाँ पर रोमेज 2 महीनों के लिए यहाँ पर WWE के लिए फुल टाइम रेसलर होने वाले हैं, आप देख सकते हैं उनका नया शेड्यूल ये वाला। उसके बाद अगर बात करें अक्टूबर में तो 11 अक्टूबर को दिखाई देंगे, उसके बाद 18 को और 25 को, उसके बाद आपको नवंबर में दिखाई देने को मिलेंगे 8 नवंबर को, उसके बाद 15 नवंबर को, उसके बाद यहाँ पर 22 नवंबर को भी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस बार के का व्यूअरशिप से। वैसे इस बार के जो मनराडा का व्यूअरशिप था वो था यहाँ पर 1.34 मिलियन व्यूअर्स, इसका रेटिंग था यहाँ पर 0.43 रेटिंग स्टार। और अगर यहाँ पर कंपेयर करें पिछले मनराडा का व्यूअरशिप से, पिछले मनराडा का व्यूअरशिप के कंपेयर में इस बार के कुछ ज्यादा ही कम था। वेल जो पिछली बार का व्यूअरशिप था वो था यहाँ पर 1.51 मिलियन व्यूअरशिप के अप्रोक्स। उसके बाद गाइस फाइनली यहाँ पर WWE ने ये रिलीज कर दिया कि आखिर समर स्लैम 2025 का कब देखने को मिलेगा। और गाइस इस बार का जो समर स्लैम आपको देखने को मिला वो का यहाँ पर 2 और 3 अगस्त को, और ये भी नाइट 1 और नाइट 2 में होगा। वैसे गाइस WWE नेटवर्क ने इसे काफी पहले ही यहाँ पर इसका डेट रिवील्ड कर दिया है, और वैसे आप देख भी सकते हैं इसी स्टेडियम में होने वाला, इसका नाम है MetLife। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं आखिर रेसलमेनिया का टिकट का प्राइस आखिर क्या होगा इस बार 2025 का। तो अगर आप नाइट 1 और नाइट 2 को भी देखना चाहते हैं तो इस बार का जो रेसलमेनिया का प्राइस होगा होगा यहाँ पर $50 के अप्रॉक्स। वैसे गाइस क्या आपको नहीं लगता कि आखिर कुछ ज्यादा ही महंगा है इस बार का रेसलमेनिया का टिकट? वेल गाइस जिसको देखना है वो तो देखेगा ही, हम लोग के कहने से आखिरकार क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर जिमी उसो को लेकर, ऐसा बता रहा है कि जिमी उसो का जब रिटर्न होगा होगा यहाँ पर बैड ब्लड में, जहाँ हो सकता है कि जिमी उसो का रिटर्न देखने को मिले जहाँ रोमरेज कोडी रोड और वर्सेस यहाँ पर सोलो सिकोवा के बीच मैच में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर इस बार का जो मंडे नाइट रॉ का यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस पर लाइव होगा वो होगा यहाँ पर 6 नवंबर को, आप देख सकते हैं इस स्टेडियम में मैच होगा वो। और क्या आपको पता है इस स्टेडियम का आखिर क्या क्या नाम है? इस स्टेडियम का नाम है लॉस एंजलस, और जो कि अमेरिका में है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं अलेक्सा ब्लेस के बारे में। अलेक्सा ब्लेस का काफी जल्द ही रिटर्न इनका होने वाला है, पर हालांकि ऐसा नहीं होने वाला, हो सकता है इनका 2025 में रिटर्न देखने को मिले। पर गाइस यहाँ पर अलेक्सा ब्लेस अपनी तरफ से पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुकी है। वैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सुपरस्टार है जो इस समय करंट टाइम WWE चैंपियंस है। कोडी रोड जो कि इस समय WWE अंडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है, उसके बाद गुंथर यहाँ पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, उसके बाद यहाँ लीव मॉर्गन है WWE वुमेन्स चैंपियन है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ रूमर्स को लेकर जो कि यहाँ पर बैड ब्लड में देखने को मिलने वाला है। पहला मैच जो कि हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर रोमरेज कोडी रोड वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच देखने को मिलेगा हेल इन अ सेल में। और यहाँ पर हो सकता है कि पर जिमी उसो का रिटर्न देखने को मिले, उसके साथ साथ यहाँ पर चार्लोट पेयर का भी रिटर्न देखने को मिले यहाँ पर लिव मॉर्गन वाले मैच में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट है यहाँ पर जैक राइडर को लेकर। जैक राइडर का यहाँ पर एक बार फिर से WWE में डेब्यू हो चुका, उनका यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट देखने को मिला था इस बार के मंडे नाइट रॉ पर। उसके बाद कैसे अपन नेक्स्ट अपडेट है मैकमैन को लेकर। यहाँ पर मैकमैन के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि इनका AEW में काफी जल्द ही यहाँ पर डेब्यू होने वाला है। वैसे आप देख भी सकते हैं इनके आसपास जो रेसलर हैं यहाँ पर AEW के रेसलर हैं। उसके बाद लास्ट जो यहाँ पर बैड ब्लड में यहाँ पर मैच होने वाला था वो भी ऑफिशियली यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, और ये मैच आप देख सकते हैं यही मैच, इस मैच में यही वुमेन्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और हो सकता है कि ये एलिमिनेशन चैम्बर मैच हो जहाँ एक टीम भी होंगे वहाँ पर जेड कारगिल उनकी टीम, और दूसरी टीम में होने वाले हैं प्रियंका प्लेयर और उसके बाद उनकी टीम। तो गाइस यही रहे आज के सारे न्यूज अपडेट और रूमर्स जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।